हेलो बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल कैसे निकालते हैं बिना इंटीग्रेशन के। एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। जनरली ये डेराइवेशन हर बुक में दिया हुआ होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसकी वैल्यू आती है 2/3 mr², और बट वो इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। हम यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हॉलो स्फेरिकल सेल है और हम लोगों से कहा गया है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री वॉट निकालनी है। मान लेते हैं इसका सेंटर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर हम आई एक्स की बात करें, अगर हम निकालना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्स डायरेक्शन, ये क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का होल स्क्वायर। समझिए, हम यहाँ एक पार्टिकल ले लेते हैं कहीं भी जिसका मास है डीएम, छोटा सा पैच ले इसकी मास है डीएम, इसकी कोऑर्डिनेट होगी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अगर हम इस डीएम मास से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, इसकी लेंथ बनेगी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि हम यहां इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब समझिए, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं है, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितनी है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रेडियस जो है चेंज कर जाएगा, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह से अगर हम आई अबाउट वाई एक्सिस की बात करें, वो हो जाएगा इंटीग्रल डीएम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का डिस्टेंस वाई एक्सिस से होता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम यहां लगाए इंटीग्रल आई जेड, आई अबाउट जेड एक्सिस, ये होगा इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, हम जानते हैं बाई सिमेट्री आई एक्स आई वाई और आई जेड सेम होता है, बाई सिमेट्री आई एक्स आई वाई और आई जेड सेम होता है, लेट इस बी आई, दिस इज ऑल्सो आई एंड दिस इज ऑल्सो आई, तीनों को जोड़ देते हैं तो आई प्लस आई थ्री आई किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हर पॉइंट के लिए फिक्स है स्फेयर में, स्फेयर के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ उस स्फेयर पे वो कौन सा पॉइंट लिया गया है, और इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर। यानी कि अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टू बाहर आर स्क्वायर बाहर, सिर्फ डीएम इंटीग्रेट होगा, और डीएम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टोटल मास एम, छोटे छोटे पैचेस को अगर हम मिलाएंगे तो टोटल मास होगा एम, सो दैट बिकम्स इक्वल टू टू आर स्क्वायर इंटू एम। अगर हम इन दोनों को देखें तो आई बिकम्स इक्वल टू टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर, बिना इंटीग्रेशन के आप इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।